वो पांच कारण जिनकी वजह से चाचा और भतीजे हैं दूर। चाचा और भतीजे को इन कारणों ने नहीं एक होने दिया। शोपाल सिंह के साथ आने का इंतजार इंतजार ही रह गया। नेताजी के जन्मदिन पर भी एक नहीं हो पाया सपा परिवार। आखिर क्या है अखिलेश और शोपाल की दूरी की वजह? आखिर क्यों चाचा के साथ आने से बच रहे हैं अखिलेश यादव? सपा समर्थकों की चाचा और भतीजे को एक साथ एक मंच पर देखने की चाहत एक बार फिर अधूरी रह गई। एक बार फिर सपा परिवार की वो एकता जिसे लोग देखना चाहते थे वो फिर से सपना टूट गया। उम्मीद थी कि नेताजी के जन्मदिन के मौके पर चाचा और भतीजे एक साथ आ जाएंगे और 2022 विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर विरोधियों को पस्त करेंगे, लेकिन शायद उस पल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर चाचा और भतीजे के एक ना होने की वजह क्या है और आखिर किस कारण से चाचा और भतीजे साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वो पांच कारण जिनकी वजह से दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही। तो सबसे पहली वजह है 2017 की कड़वाहट। सूत्रों की माने तो 2017 चुनाव से पहले जिस तरह से चाचा और भतीजे के बीच खाई खिंची उसकी कड़वाहट अब तक अखिलेश यादव शायद भूल नहीं पाए हैं। और यही वजह है कि जब भी दोनों के साथ आने की सुखबुगाहट मिलती है तो फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि एक साथ आने की बात अधूरी रह जाती है। हालांकि कई बार अखिलेश यादव ने चाचा का सम्मान करने और साथ आने की बात कही, लेकिन वो बात आई गई हो गई। दूसरी बड़ी वजह है विलय या फिर गठबंधन। अक्सर शोपाल सिंह यादव कहते हैं कि हम गठबंधन के लिए राजी हैं। अखिलेश यादव भी छोटे दलों के साथ गठबंधन की वकालत करते हैं, लेकिन चाचा के साथ की जब भी बात आती है तो उनकी पार्टी का विलय किया जाए या गठबंधन, इस पर दोनों ही नेताओं की तरफ से विरोधाभास देखने को मिलता है। और यही वजह है कि अब तक स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं बन पाई कि दोनों एक साथ आ पाते। सीटों के फॉर्मूले पर अटका पेच। गठबंधन की बात जब भी शोपाल सिंह यादव से की गई तो उनकी मांग थी कि उनका और उनके नेताओं का सम्मान किया जाए, और सम्मानजनक सीटें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक साथ आना संभव नहीं है। नेताजी के जन्मदिन के मौके पर भी शोपाल सिंह यादव ने 100 सीटों की बात को दोहराया और अखिलेश यादव चाचा के साथ गठबंधन के लिए तो राजी हैं, लेकिन 100 सीटों वाली शर्त उनके लिए असंभव सी दिखाई देती है। इसीलिए ये भी एक बड़ी वजह साथ न आने की हो सकती है। विभीषणों को लेकर उठते सवाल। शोपाल सिंह यादव ने 2017 के बाद से लेकर अब तक जब भी उनसे सवाल किया गया कि आखिर रिश्तों के टूटने की वजह क्या थी, तो उन्होंने बिना नाम लिए कई लोगों पर आरोप लगाए, और अब भी भितरगातियों पर ही दोनों को दूर करने की बात अक्सर सामने आती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये विभीषण और भितरगाती है कौन, जिसका कोई भी खुलासा नहीं करता। मजबूत मध्यस्थता की कमी। दोनों ही नेता एक साथ आने की बात करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ बिठाकर कोई बातचीत करवाने वाला नजर नहीं आता। हालांकि पार्टी में नेताजी मुलायम सिंह यादव से बड़ा मध्यस्थ कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनकी राय पर भी अमल होता सा नहीं दिखता। ऐसे में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बिचौलिया का काम बेहतरी से करे और चाचा भतीजे के सारे मसलों को सुलझा कर एक कर दे। तो ये वो पांच कारण हैं जिनकी वजह से चाचा और भतीजे एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि यही कारण हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वजह कुछ और ही हो, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि दोनों के साथ न आने की इन कारणों से बड़ी वजह और कोई हो ही नहीं सकती। अब देखना यह है कि चाचा और भतीजे कब तक साथ आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो फिर विजय पाने के लिए दोनों की क्या रणनीति 2022 चुनाव के लिए सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।